गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन के तहत। डेट ज़रूर लिखेंगे जो कि है 9/3 यानी कि मार्च 2022। वर्कशीट नंबर है 42। वीक 8 चल रहा है बच्चों। ये हमारी आज की थीम है लेट्स लर्न। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, राइज एंड शाइन। चिंटू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय हु फेसिस चैलेंजेस करेजियसली। चिंटू बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे एक चिंटू नाम के बच्चे की। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय है और वो जो भी उसके पास मुश्किलें आती हैं वो उनका बहुत बहादुरी से सामना भी करता है। लेट अस रीड अबाउट द चैलेंज ही फेस टुडे। तो चलिए देखते हैं कि आज उसके सामने क्या चैलेंज आया या क्या मुश्किल आई। टुडे चिंटू फेल डाउन ऑन द स्कूल ग्राउंड एंड द बटन ऑफ हिज शर्ट केम ऑफ। आज चिंटू स्कूल के प्ले ग्राउंड में गिर गया और उसकी जो शर्ट थी उसका बटन निकल गया। ये देखिए, ये रहा उसका बटन। एवरीवन बिगेन लाफिंग एट हिम। सब उस पर हंसने लग गए। ही फेल्ट वेरी बैड। उसे बहुत बुरा लगा। ही केम बैक होम एंड आस्क्ड हिज मदर सिस्टर एंड फादर टू स्टिच इट ऑन हिज शर्ट बट दे ऑल वर रियली बिजी। वो घर आया, उसने अपनी माँ बहन और अपने पापा से पूछा कि क्या मेरी शर्ट का बटन आप सिल सकते हैं, लेकिन सभी बिजी थे। चिंटू डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब चिंटू को नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करे। देन सडनली ही एड एन आइडिया। उसको एक आइडिया आया। ही डिसाइडेड टू स्टिच, स्टिच यानी कि सिलना, द बटन ऑन हिज ओन। उसने ये सोचा कि क्यों ना ये बटन मैं खुद ही सिलूं, क्योंकि सब तो बिजी हैं। इसकी आगे की स्टोरी हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाउ हेल्प चिंटू इन सर्कलिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट ही विल नीड फॉर स्टिचिंग द बटन ऑन हिज शर्ट। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर नोटबुक। बच्चों, अब आपको चिंटू की हेल्प करनी है, उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है जिनसे वो बटन सिलेगा। देखिए, जैसे सबसे पहले तो बटन ही चाहिए होगा उसको। उसके बाद क्या, स्पून, चम्मच चाहिए होगा? नहीं, चम्मच का क्या काम है। पेन, पेन भी नहीं चाहिए। नीडल यानी कि सुई, हाँ ये चाहिए नीडल। थ्रेड, धागा भी चाहिए, थ्रेड। थ्रेड की बच्चों स्पेलिंग थोड़ी पीछे चली गई है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। THREAD, थ्रेड। उसके बाद नाइफ, चाकू चाहिए? नहीं, चाकू क्यों चाहिए। शर्ट, और शर्ट तो चाहिए ही क्योंकि उसका ही बटन सिलना है। तो ये चार चीज़ें उसको चाहिए, बटन, नीडल, थ्रेड और शर्ट। तो आप भी ऐसे ही इन पे सर्कल करेंगे। और बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के कामों में मदद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और ये जो पिक्चर दी गई है, सोचिए, ये देखिए इधर मछलियाँ हैं, ये आपस में क्या बात कर रही हैं। और कोविड के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि जब भी बाहर जाएंगे 6 फीट और 2 यार्ड की दूरी बना कर रखनी है। बच्चों, ये आज की वर्कशीटें करिए और इसमें जो चिंटू की स्टोरी दी गई है इसको रीड करते हुए अपनी वीडियो भी भेजिए। टेक केयर, बाय।